नमस्कार, मैं प्रसाद गोडबोले। बहुत से लोग ये बात जानते ही हैं कि उत्तर गोलार्ध में जो तूफ़ान आते हैं उसमें हवा जो चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और दक्षिण गोलार्ध में जो आते हैं तूफ़ान उनकी हवा क्लॉकवाइज घूमती है। जिस फोर्स से ये चीज़ होती है उसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। नहीं, इतनी चिंता से मत देखिए, ये कोई एजुकेशनल फिल्म नहीं है। हम इसके बारे में सीखते नहीं क्योंकि वो बहुत वीक फोर्स है और हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आपके स्कूल करिकुलम में वो नहीं होता। मगर आप ये चीज़ आदर यूट्यूब पे ढूंढोगे या इक्वेटर पे स्थित किसी कंट्री में जाओगे लाइक इक्वाडोर और केनिया। वेल, आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास पैसा है तो आपने केनिया में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ का जो वन्य प्राणी जीवन है ना, वो फैंटास्टिक है। वो इतना देखने में आसान है क्योंकि बहुत है। और मैं आपको वहाँ जाने का सुझाव दे रहा हूँ, उसका और एक कारण है ना, मानव जाति पूरे प्रकृति को नष्ट करने में तुली हुई है। आज न कल वहाँ का भी वन्य जीवन ख़त्म हो जाएगा। एनीवे, वो बात छोड़िए। अगर आप इक्वाडोर या केनिया गए और आप इक्वेटर के आसपास कहीं जा रहे हैं तो वहाँ के शॉपकीपर्स और ये आपको ये ट्रिक दिखाते हैं। उनके पास एक बड़ा सा पॉट होता है जिसको एक नीचे में छेद रहता है। ओके, हमें एक चीज़ तो मालूम है, अगर हमने बेसिन में पानी भर दिया नीचे का प्लग लगा के और बाद में प्लग उठा दिया तो पानी भंवर की तरह घूमते हुए बाहर निकल जाता है। अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये भंवर एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। मगर ये हो गई थियोरी, एक्चुअली चीज़ें काफ़ी अलग होती है। कोरियोलिस फोर्स तूफ़ानों को ये डायरेक्शन क्यों दे सकता है? क्योंकि तूफ़ान जो तैयार होते हैं उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, हवा होती है बहुत हल्की और स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ पकड़ लेती है, इसलिए उसे एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ता है। हवा की गति आस्ते आस्ते एक्सेलरेट होके बाद में वो भीषण रूप धारण करती है। मगर ये चीज़ वॉश बेसिन में हो नहीं सकती क्योंकि पानी का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है हवा से, और टाइम अवेलेबल है वो दिन नहीं है लेकिन कुछ सेकंड है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो मनोरंजन के लिए वो ये ट्रिक दिखाते हैं। तो क्या है ये ट्रिक? उनके पास एक बड़ा सा पॉट या वॉश बेसिन होता है, नीचे में होल और उसमें प्लग। वो आपको कहते हैं कि हम अभी एग्जैक्टली इक्वेटर पर हैं, अब मैं इस पॉट में पानी डालूंगा और जैसे ही पानी नीचे से निकल जाएगा उसको नाइदर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी ना एंटी क्लॉकवाइज होगी। फिर वो उसमें पानी डालते हैं और उसके अंदर उसमें एक माचिस की तीली डालते हैं और वो तीली बेसिकली स्थिर रहती है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, परफेक्ट। फिर वो बेसिन को खाली करते हैं और उसको उठा के 10 कदम नॉर्थ को चलते हैं, मतलब हम लोग अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए हैं ऐसा समझिए। अब फिर से उसमें पानी अगर डालेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। फिर से पानी भरते हैं, फिर से उसमें तीली डालते हैं और जैसे ही पानी जाता है वो देखते हैं कि तीली एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। इम्प्रेसिव। फिर वो खाली करते हैं, फिर उसको उठा के अभी 20 कदम साउथ को जाएंगे, इसका मतलब 10 कदम सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए हैं। फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें सेम तीली डालते हैं और अब हम देखते हैं वो क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। वाह, आँखों पर तो विश्वास करना ही चाहिए। तो ये हो जाता है कोरियोलिस का प्रूफ। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर ज़ीरो होता है और जैसे ही पोल्स की तरफ जाते हैं आस्ते आस्ते बढ़ता है, तो उसमें जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है, 10 मीटर से तो ज़ीरो डिफरेंस पड़ता है। इसमें कोई विश्वासघात वगैरह नहीं है, ये सादी हाथ चलाकी है मनोरंजन के लिए बस। तो ये ट्रिक कैसे की जाती है, उसमें क्या हाथ चलाकी है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ही मेरे घर में ही दिखाऊंगा।
मैं अब पुणे में हूँ, मतलब उत्तर गोलार्ध में हूँ, लेकिन यहाँ पर भी उस टीली को हम कैसे जैसे चाहिए वैसे घुमा सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। हाँ, मगर एक चीज़ है, अभी जो कोरोना वायरस आया है उससे हम घर में अटक गए हैं। कोई घर से बाहर निकल नहीं सकता, ना ही निकलना चाहिए। इसलिए सही साइज़ का पॉट मेरे पास नहीं है। मैं जिस छोटे पॉट में आपको दिखाऊंगा उसमें मूवमेंट कम होगी, लेकिन आपको आइडिया आ ही जाएगा। और ज़्यादा आसानी से आइडिया आने के लिए मैंने वही वीडियो 2-3 बार दोहराया है। चलते हैं। हम अब जिस लेबोरेटरी में हैं वो है मेरा बाथरूम। ये एक छोटा सा पॉट है जिसके अंदर होल है, और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा थियोरेटिकली ऊपर में भंवर हो जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं उसमें पानी भरूंगा तो और नीचे से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। ऐसा समझेंगे कि अभी हम इक्वेटर के ऊपर हैं। पानी डाल के थोड़ी देर खलबली रुकने के लिए ठहरेंगे, फिर उसके अंदर तीली डाल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पानी नीचे से बाहर निकल रहा है, और अंदर तीली डालेंगे और कोई मूवमेंट नहीं है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। अभी ऐसा सोचेंगे कि हम लोग 10 कदम नॉर्थ को चले गए हैं, उत्तर गोलार्ध में हैं। फिर से उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर से उसकी खलबली शांत होने तक ठहरेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मेरा पॉट छोटा है इसलिए इफ़ेक्ट थोड़ा कम दिखेगा। जैसे ही मैं तीली डालता हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देती है। अभी ऐसा सोचिए कि हम लोग 20 कदम साउथ को आए हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में हैं हम। सब कुछ पहले की तरह ही करना है, पानी डालना है, खलबली रुकने के लिए ठहरना है, उसके बाद में तीली को अंदर डालना है, और अब हम देखेंगे कि वो तीली अब क्लॉकवाइज चलने लगती है। तो ट्रिक है कहाँ पर? ट्रिक पानी की ढालने की एक्शन में है। अगर हम पानी सेंटर में डालेंगे तो वो ना वो क्लॉकवाइज चलेगा ना एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। उसको दाहिने बाजू से ढालेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, बाएं बाजू से ढालेंगे तो क्लॉकवाइज चलेगा। बहुत ही सिंपल सी हाथ की सफाई है बस। मुझे विश्वास है कि आप लोगों में से कईयों को ये सिर्फ वीडियो देख के ही पता चल गया होगा। अब एक आध मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अरे ये वीडियो को लाइक कीजिए। क्यों नहीं कहूँगा? ऐसे देखो, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, खाना खाने के बाद क्या हमारी बीवी या माँ उसको पूछती है, खाना अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो बोलो अच्छा लगा, लाइक करो। अगर वो प्रसन्न है तो वो खुद से बोलेंगे। मैं फिर से एक बार कहूँगा, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, ये सिंपली मनोरंजन है। वो लोग 1-2 रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। असलियत क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए बस। और एक चीज़ याद आई, कभी कभी पार्टी में वगैरह हमारा कोई दोस्त कोई ट्रिक दिखाना चाहता है, कोई कार्ड ट्रिक की ट्रिक होगी, कभी एक कॉइन आता है गायब होता है ऐसी ट्रिक होगी, जो भी। और कभी कभी इसी गैदरिंग में एक दूसरा एक शख्स होता है कि जो वो ट्रिक देखने के बाद बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है उसने कहाँ छुपाया कॉइन। ये बहुत बहुत गलत आदत है। आपका दोस्त जो भी ट्रिक दिखा रहा है उसके पीछे की आइडिया प्योरली एंटरटेनमेंट होती है। सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि हम उसका आनंद लें और बस। अगर हमें मालूम है कैसी ट्रिक की जाती है, चुप रहना सबसे अच्छा। ये ट्रिक सीखना, उसको बहुत बार प्रैक्टिस करना और फिर उसको लोगों को दिखाना, ये मुश्किल चीज़ है। और इन चीज़ों को हमने बढ़ावा देना चाहिए, ना ही कि बीच में घुस के मुझे मालूम है मुझे मालूम है। ऐसे जो कबाब में हड्डी होते हैं वो उनको लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उनको ये मालूम नहीं होता कि उनमें सोशल इमैच्योरिटी होती है। ये ट्रिक किस लिए दिखाई जा रही है यही उनके पल्ले नहीं पड़ता। वो सादा मनोरंजन होता है, वो कोई टेस्ट नहीं है। आप ऐसे कृपया मत कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको एक्चुअल ट्रिक देखनी है तो इस लिंक पर देखिए।